जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज, सच को रखे आपके आगे। शेख सईद बावजीर अवामी मसाइल को लेकर TRS की मिनिस्टर सबीता इंदिरा रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलत। मैं आज बता रहा हूँ तेलंगाना का डेवलपमेंट एजुकेशन मिनिस्टर फेल सबीता इंदिरा रेड्डी। अब बच्चों को स्कूलों को छुट्टियां देने में टाइम है उनकने, ये घर है, देखो ये घर है बेचारे। अब ये बताता हूँ मैं, देखो ये मेरा घर है समझो, पिछले 3 साल से। अब कैसा जाना, अब मौता हुई ये, अगर कुछ हो गया कहाँ से जाना, देखो अब देखो देखो कहाँ से जाना, पूरा रोड तक डेवलपमेंट बता रहा हूँ। देखो भाई मैं डेवलपमेंट देखिए, तेलंगाना एजुकेशन मिनिस्टर और जलपल्ली म्यूनसिपल फालतू चेयरमैन देखिए डेवलपमेंट। और मैं बैरिस्टर रसदुद्दीन अवैस साहब को कहना चाह रहा हूँ, जलपल्ली इंचार्ज अहमद सादी फेल है और अब्दुल्ला सादी फेल है, नामों से बोल रहा हूँ, डरता हूँ किससे भी नहीं। इन लोग आज नामर्द है बोल के पूरे बारकस वाला पूरा जलपल्ली म्यूनसिपल मान लिया, कई को इन्हों एक नामर्द से बोलने लगा रहे हमारे बारे में। तो आज मैं इनको जवाब दे रहा हूँ, अगर उन्हें नहीं बोलता हमारे बारे में तो ये नामा लेके नहीं बोलता था बैरिस्टर रसदुद्दीन साहब। और मैं इन लोगों के पुतले पानी में लाके डालूंगा और बारकस वाले जानते लोग किसकी दलाली करे, कहां पे किसको सप्लाई करे, ये कहना चाह रहा हूँ। और ये कब बोल रहा हूँ, एक नामर्द को 1,000 रुपए 2,000 रुपए दे दे के हमारे बारे में बोल रहे, हमारे को फर्क नहीं पड़ता। 2017 से हम खिलाफ सुन लेते आ रहे, हमारे हम रेपिस्ट है, हम फलाना है, हम वो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जानता हम क्या है, पूरे केसा हमारे भरी हुए, आगे भी भरी होते। और फंसाने में ये अहमद शाह जी के साथ एक लाख रुपए दे रहा था, बिलान कैंसिल कराने 2-2 लाख रुपए दे रहा था दलाल साला, हमको वो रहा लोगों से बोलने लगा रहा, बताए अवाम परेशान है बता रहे, आके देख इंचार्ज देख बताओ, अवाम पूछो इंचार्ज जलपल्ली महेश्रम डिवीजन इंचार्ज कहते कहाँ है इंचार्ज बताओ, आया ऐसा पानी में उतरा, अल्लाह मियां चलने में भी नहीं रखे बरोबर, चला तो थोड़ी देर में खत्म हो जाते ऐसे। तो मैं ये जवाब दे रहा हूँ चेयरमैन को भी इंचार्ज को भी, तू एक दलाल को लेके जाके बीजेपी में से MIM में मिला के और वो बीजेपी में से TRS में मिला के तू क्या साबित करा रहे, उन्हें क्या है हमारी नजर में। और मैं बोलता हूँ मेरे बारे में, अरे मेरे बारे में बदतर से बदतर बोल, उससे बदतर बोलने वाला इंसान हूं मैं, समझा। मैं ये छिंदी को नहीं बोलता हूँ, डायरेक्ट बड़ोंगो बोलता हूँ। और एजुकेशन मिनिस्टर सबीता इंदिरा रेड्डी फेल है, रंजीत रेड्डी MP फेल है, देखिए मासूम बच्चा कैसा आ रहा, देखो 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 डेवलपमेंट देखो, खाली एक गली का डेवलपमेंट है, एक गली का, जहां तक जा रहा हूं वहां तक, आखिरी में लोग घर खाली करके चले गए रे, तुम लोग लैंड गिरावरी में बिजी है रे, मैं बोलने से नहीं डरता, और मेरी जान गई तो अहमद सादी जिम्मेदार है, अब्दुल्ला सादी जिम्मेदार है, और इकबाल बिन खलीफा बलमा जिम्मेदार है, और एक्स कारपोरेटर जिम्मेदार है, और TRS का एजुकेशन मिनिस्टर उनका बच्चा जिम्मेदार है। अगर मेरे को धक्का लगेगा नाम नहीं डालने वाला हूँ हाईकोर्ट के अंदर, इन लोगों के नामों से और 5-6 जने नामों से डालूंगा, सुन रहा बेटे बच्चे, नामर से बोलने मेरे बारे में लगा रहा, शेख का मुंह ने खोला अभी, नामों के साथ बोलता हूँ कौन किसकी कहाँ पे सप्लाई करे, हुशार समझ अकलमंद को इशारा काफी, अगर मेरे को छेड़ेंगे तो फिर सुनने की भी ताकत रखना, क्या बोल रहा हूँ, ये आवाम परेशान है। विजुअल के जरिए देखिए पीछे गलियां भी, ये गलियां भी, बच्चे स्कूलों को कैसा जाएंगे, बड़े बड़े बातें कर रही, कामा नहीं कराए हम, इतने कौड़ कराए नहीं, तुम लोग खाली लड़ना खाए और नाले खाए वो करे, एक 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 टट्टू को ले लेके टट्टू को पैसे दे के बोलने लगा है तो पब्लिक यकीन मानती, पब्लिक जो दिखता वही बोलती, ये बता ना रे टट्टू आके तू तेरे इंचार्ज को लाके दौरा करा, एक बार नहीं ला, क्या डरता हूँ समझ रहा गया किससे भी, जान गई तक काम करता हूँ रे, बोले क्या करते, मौत से पहले मौत नहीं है, मौत के बाद मौत नहीं है, थान लेके निकला या मरना है या मार देना है, दो में से एक, समझे, अवाम के वास्ते मिटूंगा, डरूंगा नहीं। और मैं बैरिस्टर रसदुद्दीन अवैस साहब को कहना चाह रहा हूँ, ये इंचार्ज को हटाओ जलपल्ली से, अहमद शाह जी को उसके बेटे को हटाओ, इन लोगों को हटाओ, कुछ काम के नहीं है इन लोग, बल अगर सर्वे कराओ रसदुद्दीन अवैसी साहब, आप अगर इन लोगों को गालियां नहीं दिए काउंसिलरों को और इन लोगों को, लोग ये चप्पल है ना
ये चप्पल से मारते लोग, ये चप्पल दिख रही, ये चप्पल से मारते फालतुओं को पब्लिक मारती। अरे पूछो लोगों के दर्द, कितने औरतें गिर रही, कितने औरतें पेट से हॉस्पिटलों में नहीं जा सक रहे, वो औरतों का दर्द पूछो। देखो स्कूलों तक नहीं जाते, पूछो। तो हुशार अगर छेड़ेंगे ना गली गली फिर के बताऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग। मैं सांस गई तक लड़ने वाला हूँ, मारना चाह रहा हूँ मैं तो तुम लोग। मैं इंशाल्लाह ऑलरेडी पिटीशन लिख के रखे हुआ तुम लोगों के नाम पे। ये नक्को समझो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेरे साथ है, अकबरुद्दीन अवैसी मेरे साथ है, तो मेरे पे केस नहीं भुगता। ये क्या निर्मल का चेयरमैन था फारूक मई का, खरीफ का, देखिए खाली फायरिंग करा तो क्या हुआ, आज भी जेल में, आज भी लाइफ काट रहा। तुम समझ रहे होंगे अरे हमारे गने अहमद बलाला है, हमारे गने अकबर भाई असद भाई है, तो हम मानने लगा देंगे, हमारा नाम नहीं आता। बच्चे कोर्ट भी एक कानून है, सब कुछ है, अल्लाह भी एक फैसला करने वाला है, दुनिया भी है, सब देखती। हम ऑलरेडी आप लोगों के नामों के साथ लिख के रखे हुए, टीआरएस के भी एमआईएम के भी, डरेंगे नहीं हम। और एक बार बोले मल्ली से इत्यादन मुस्लिमीन के वर्कर थे और रहेंगे, जो गलत कर रहा है जलपल्ली म्युनिसिपल में उसके बरोबर खिलाफ में बताएंगे। ये काम 3 साल पहले अगर करा, 3 साल से पानिया पड़ रही, बीच में पानिया नहीं पड़े तो क्यों नहीं कराए जब, बताओ। इलेक्शन आने तो बताता हूँ इसका जवाब, फिर अगर रिटर्न आएगा तो इससे बदतर दूंगा। उशार खुदा हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।